अस्सलाम वालेकुम, अभी आपके सामने मौजूद हैं वकील और मास। आज ये लोग डबिंग के बारे में बात करेंगे और मुझे पता है इनके पास डबिंग के नॉलेज और स्किल्स मुझसे ज़्यादा हैं, तभी मैंने इनको बेहतर समझा इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे एनिमेशन में ऑडियो से मुतालिक चीज़ों की, जिसमें साउंड इफेक्ट्स और डबिंग वगैरह शामिल है। माइक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइक के बगैर आप पता है आप रिकॉर्डिंग वगैरह में रिकॉर्डिंग और ऑडियो वगैरह नहीं बना सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका माइक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपका माइक जैसा भी है सही है। पैसे के हम लोग पहले जो है वो मोबाइल से डबिंग करते थे। आपके पास माइक जो अवेलेबल है उसको आप भरपूर तरीके से यूज़ करें। आप इस इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि आपके पास वो वाला माइक नहीं है, उस ब्रांड का माइक नहीं है या इतना अच्छा माइक नहीं है। माइक मौजूद है, वेल एंड गुड, आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करें। अब हम बात करेंगे साउंड इफेक्ट की। साउंड इफेक्ट जो है वो एनिमेशन मूवीज़ और वीडियोज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। और साउंड इफेक्ट का जो गहरा ताल्लुक है आपके विजुअल्स से है, कि जो विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको उस तरह से आपकी इमेज डिपिक्ट कर रहे हैं या नहीं। लेट जस्ट सपोज़ आप एक पहाड़ी इलाके में खड़े हुए हैं या फिर आप एक गार के अंदर मौजूद हैं, तो आप ज़ाहिर है रियलिटी के अंदर अगर आप एक गार में आवाज़ लगाएंगे तो वो वाइब्रेट तो नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं क्या कहते हैं यार, बाउंस बैक कहते हैं। नहीं, बाउंस बैक भी नहीं कहते, बाउंस बैक नहीं कहते, बाउंस बैक कहते हैं। यू जस्ट कट दैट बैक, दैट्स नॉट कॉल्ड बाउंस बैक। आई एम टेलिंग दैट्स अ न्यू ग्लूपर गाइस, दैट्स अ न्यू। मैं कह रहा हूँ उसको बाउंस बैक कहते हैं, मैं कह रहा हूँ उसे उसको इकोइंग कहते हैं, आई एम सॉरी। तो दैट्स व्हाई साउंड इफेक्ट डाला जाता है उसके अंदर, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको उस तरह से क्रिएट किया जाता है ताकि आपको लगे कि आप उस जगह मौजूद हैं, हालांकि आप वहाँ मौजूद नहीं होते। तो दैट्स व्हाई साउंड इफेक्ट्स का एक बहुत बड़ा समझ लें रोल प्ले हो रहा होता है एनिमेशन और मूवीज़ की क्रिएशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डबिंग के बारे में। तो अगर आप प्रोफेशनल लेवल की डबिंग कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को बुलाइए, वरना डोमेस्टिक लेवल पे या नॉर्मल लेवल पे तो आप अपने दोस्तों को और कज़न्स वगैरह को भी बुला सकते हैं। हिडन टैलेंट तो सभी मौजूद हैं, तफरीहें लोग सभी कर ही लेते हैं, तो उनका काम किस दिन आएगा। डबिंग के लिए सबसे बुनियादी बात ये ज़रूरी है कि आप करेक्टर की नेचर के अंदर डूबें, उसकी करेक्टर की करेक्टरिस्टिक्स को आप पहचानें कि वो किस किस्म का बंदा है और क्या चाहता है वो, क्या उसका रोल है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, डीपली मालूम होना चाहिए। जब भी आप उसके अंदर डूब के उस चीज़ को बाकायदा महसूस कर गए, क्योंकि डबिंग का जो समझ लीजिए आर्ट है वो यही है कि जब तक आप उसको अपने पर हावी नहीं करेंगे आप उस इमोशंस को, उन डायलॉग्स को उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे सर मूवीज़ में होता है कि मूवीज़ में कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है तो वो बेसिकली वो डबिंग भी एक्टिंग भी कर रहा है सेम टाइम, और वो डबिंग भी कर रहा है क्योंकि वो पूरा करेक्टर में उतर गया है। और बात करी जाए आजकल के जो कार्टून्स हैं, कुछ कार्टून्स हैं उसमें डबिंग की जाती है जो कि बिल्कुल इमोशनल लेस होती है, कोई इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ डायलॉग्स ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। जस्ट लाइक दिस, हाय तुम कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, अरे मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, अरे यार मुझे तो ये काम करना ही नहीं था। जस्ट लाइक रोबोटिक्स, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, हो गया, हो ही गया। तो इस तरह की चीज़ें कुछ हो, इस तरह की नहीं हो रही होती हैं, मतलब इससे और गिरी भी हो रही होती है। अब ठीक है, तो इन सारी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं जिससे साफ साफ एनिमेशन अच्छी होगी, बेशक अच्छी होती है, वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डबिंग की वजह से देखें आप क्वालिटी कितनी गिर जाती है। तो जो डबिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आपकी डबिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी अब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है कुछ काम करने का। इमोशंस के ऊपर आपको अपनी ज़रा साउंड भी चेंज करनी होगी। इफ़ अगर भाई एंगर इमोशन ज़िंदगी भर के लिए एंगर नहीं रह सकता, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इमोशन हो उस हिसाब से आपकी फिर वॉइस भी डिलीवर हो, पता भी चले कि हाँ भाई ये इमोशन आपका डिलीवर हो रहा है, ये आप बात कह रहे हैं किस अंदाज से। मिसाल के तौर पर जैसे कि बाज़ औक़ात जो होता है रोने का जहाँ पे मसला आता है, जहाँ पे कैरेक्टर को आपको रुलाना है, ऐसा कि अमूमन बहुत कम होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा पर जो आर्टिस्ट होते हैं वो लैग करते हैं क्योंकि उनसे रोना नहीं आता। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे होते हैं रोने की, अजीब, मतलब लग रहा होता है किसी ने उनको ना ज़बरदस्ती गन लगाई हुई और रो भाई रो जाती है। हाँ तो बिल्कुल यही सीन होता है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी यही है कि वो करेक्टर में उस अंदाज से उतरे ही नहीं होते, वो जैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वो किसी तरह से अगले सीन की तरफ जंप आउट कर जाए। अब हम बात करेंगे फोली इफेक्ट के बारे में। फोली इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू निकाली जाती है। आप जो आपके इस इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको यूज़ करके आवाज़ निकालें, मिसाल के तौर पे चलने की आवाज़ें, उल्टी सीधी आवाज़ें जो हैं, जो आप आवाज़ें कहीं और से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको वाटर ड्रॉप निकालना है वो बीट बॉक्सिंग के जरिए आप निकाल सकते हैं। देखा कितना आसान है ये, बीट बॉक्सिंग मुझे आती नहीं है वैसे, लेकिन ये आती है, उस्मान भाई ने सिखाया था मुझे ये। तो बहरहाल फोली इफेक्ट जो है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको इंटरनेट के जाके आपको चीज़ें तलाश नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि साउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको पहली बातों में बताया था। और कहीं से आप साउंड ख़रीद भी सकते हैं। अब आप ख़ुद बताएं कि आप साउंड ख़रीदेंगे किसी चीज़ की वजह से, कोई कहता है इतना पैसा तो नहीं आ रहा ना। डबिंग उसी जगह पर करें जहाँ पर सन्नाटा हो, और टाइमिंग का भी ख्याल रखें, रात के टाइम आप करें। और दूसरी बात ये कि आप फ़ैन ऑफ कर दें, गर्मियों के अगर दिन होंगे तो फ़ैन खुला हुआ होगा
उसकी आवाज़ नहीं आएगी आपकी रिकॉर्डिंग में। सर्दियों के अंदर एक एडवांटेज आपको हासिल होगा कि आवाज़ आपको नहीं आएगी, और कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे कि जब कोई बाहर से डिस्टर्बेंस ना हो सके आपको, फ्री ऑफ ऑल डिस्टर्बेंसेस, आप अपने काम के ऊपर फुली फोकस्ड हों, जिसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्पेशली अच्छी तरह से जारी और सारी रहे। तो बस इसके बाद हम ये कुछ चीज़ें, उसके बाद अगली कहानी की तरफ जाएंगे, हम अगली स्टोरी की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, अगले मरहले की तरफ, अगले लम्हे की तरफ, अगले काम की तरफ और अगली क्रिएटिविटी की तरफ। ऑडियो रिकॉर्ड और एडिट मैं एडोब ऑडिएशन पे करता हूँ, क्योंकि यही मुझे सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर लगा रिकॉर्डिंग के लिए, और एडिटिंग के तो इतने ऑप्शन हैं इसमें कि बस। तो ये जो रेड बटन है, ये हम जब दबाते हैं तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सबसे पहले ये पूछता है कि ऑडियो फाइल बनानी है, हम कहते हैं हाँ बनानी है। उसके बाद अब जैसे ही मैं ये रेड बटन दबाऊंगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये जब मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज़ नहीं बोलना। अगर मिसाल के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो देखें ये छत से टकरा रहा है ऑडियो, और अगर मैं बहुत हल्के बोल रहा हूँ तो बहुत हल्के बोलने से, देखें बहुत हल्के बोल रहा था अभी मैं तो कितना हल्का छोटा सा है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा हल्के नहीं बोलना। हमें एक यानी अच्छा खासा गाढ़ा ऑडियो रखना होता है जो थोड़ा लिमिट में रहे ताकि आवाज़ साफ़ आए। तो ये मैंने खैर इसे बंद कर देता हूँ। तो ये जो लाइन होती है वो बेसिकली बस दिखाती हैं कि आपकी आवाज़ कितनी तेज़ है, कितनी हल्की और फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो अब मैं कोई रिकॉर्ड करता हूँ डायलॉग। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ़ कर दो, उनकी कोई गलती नहीं है। अब देखें मुझसे यहाँ पर ना गलती हो गई, कि कोई गलती नहीं है, गलती वाला हिस्सा ना जो थोड़ा अजीब सा हो गया। खैर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो तक ठीक है। अच्छा, मैंने इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो वो हिस्सा हट जाएगा। तो ये पूरा ऑडियो है हमारे पास, प्ले करके देखते हैं। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ़ कर दो। अब ये जो पूरा ऑडियो है इसको अगर मैं साफ़ करना चाहता हूँ तो खाली जगह को हम सेलेक्ट करेंगे और मैं दबाऊँगा शिफ्ट पी, एक बार के लिए याद रखें, हमेशा काम आएगा। ओके, ये इसने खाली हवा का सैंपल ले लिया। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे। उससे पूछेगा कि कितना आपको अपना ऑडियो साफ़ करना है। खैर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ हमेशा, और यही तरीक़ा मेरे लिए बेस्ट रहता है। एक्स्ट्रा इससे मैं डिलीट कर दूँगा सिलेक्ट करके, ये वाला खाली छोड़ दूँ, बाद में इको वीको डाल दूँगा तो हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब ऑडियो मेरा थोड़ा यानी नॉइज़ वगैरह ये हटा चुका है। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ़ कर दो। तो ये था बहुत ही साफ सा ऑडियो। अच्छा, अगर इसमें मैं इफ़ेक्ट वगैरह डालना चाहूँ, इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, मैं आपको चंद एग्जांपल्स दिखा के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ईको सबसे मशहूर, मिसाल के तौर पे किसी को याद आ रहा है यार मेरा भाई ये कहा करता था, तो उसके लिए हम ये इफ़ेक्ट चेक करते हैं प्ले करिए। कब तक करोगे उन्हें माफ़ कर दो। ये तो बहुत ज़्यादा यानी वो है, मैं इसको करता हूँ एनालॉग डिले, अब देखते हैं अब थोड़ा बेहतर लगेगा। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये तो थोड़ा हॉरर लग रहा है। अच्छा, ये सारे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर डिले टाइम हमने कम कर दिया तो ऑडियो मज़ीद सेट हो जाएगा। ये था इको का इफ़ेक्ट, और इसमें और भी ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पर यही बात मैं अगर कॉल पर कह रहा हूँ तो कैसी लगेगी, फ़िल्टर पर गया मैं, FFT फ़िल्टर पर गया और यहाँ जाके मैंने सेट कर दिया टेलीफोन रिसीवर पे। अब ये बहुत ही हल्की कर देता है, तभी हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अब प्ले करके देखता हूँ। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ कर दो। अब देखा थोड़ा कॉल का इफेक्ट आ रहा है, आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, बस ये मसला हो रहा है, वरना टेलीफोन वाला इफेक्ट। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ कर दो। तो ये था कॉल का इफेक्ट। और भी मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, मिसाल के तौर पे टाइम और पिच, जैसे मैंने टाइम और पिच पे किया और स्क्रैच एंड पिच पे किया। अब मैं अगर पिच गिराऊंगा आवाज़ की तो आवाज़ सुनने में बहुत ज़्यादा मोटी लगेगी। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ़ कर। और अगर मैं पिच कम की थी अब बढ़ा दूंगा तो बहुत पतली हो जाएगी आवाज़। कब तक करोगे लोगों का कत्ल तुम, उन्हें माफ़ कर दो। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आप रिकॉर्ड कर लें तो फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट पे जाएं और फिर यहाँ से फाइल से एक्सपोर्ट कर दें, इसका जो भी नाम रखना है रख लें, और ब्राउज़ करके लोकेशन सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है।
तो बहुत ही ऑडियो से रिलेटेड जो बेसिक ज़रूरी बातें थी वो आपको हमने बता दी हैं, बाकी आप ख़ुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया। मैं डूब रहा हूं अभी डूबा तो नहीं हूं, इसमें पानी का इफेक्ट आएगा करके। इतनी ठंडी कॉमेडी तुम कहां से सीखते हो? मैं लिटरली मैं